अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 23 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक है, इसका नेम होगा क्रश कॉन टकर मेथड। ठीक है, क्रश कॉन टकर मेथड न्यू टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस होगा और ये होल्ड होगा ओनली ऑन फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन डील करते हैं कि इसे किसने इंट्रोड्यूस और किस अंदाज में कब किया है। तो दिस मेथड इज इंट्रोड्यूस बाय विलियम कॉन एंड एल्बर्ट डब्ल्यू टकर। ठीक है, यानी कि ये भी विलियम फॉर्म में है। ठीक है, डब्ल्यू जो है, ये जो जैसे ये विलियम लिखा हुआ, डब्ल्यू टकर इन 1951। दिस मेथड इज फर्स्टली स्टेटेड विलियम क्रश इन मास्टर थीसिस एज 1939। ठीक है, ये मेथड जो था, इसको डिस्कवर जो किया है, इंट्रोड्यूस करवाया विलियम कोहन ने किया है और एल्बर्ट विलियम टकर दोनों ने मिलकर किया था 1951 में। और फर्स्टली जो इसकी स्टेटमेंट को मास्टर थीसिस के अंदर एक्सप्रेस किया वो था विलियम क्रश 1939 के अंदर, उसने अपनी स्टेटमेंट एक्सप्रेस की थी। ठीक है, तो इन दिस मेथड वी डील ओनली फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आपका जो फंक्शन होगा वो जस्ट ओनली ऑन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डील होगा। अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में जरूर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रश कॉहन टकर मेथड की एक कंडीशन को फुलफिल करे तो हम उसको कंटिन्यू करवाएंगे, तो मिनिमाइजेशन मस्टली हो। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस मेथड इज होल्ड फॉर ओनली इन इक्वालिटी कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। और ये मेथड जो कंस्टेंट के अंदर यूज होगा वो जस्ट इन इक्वालिटी होनी चाहिए। इन इक्वालिटी में लेस देन आर इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन आर इक्वल, बट आपको यहाँ पर एक चीज जो बात में जहन में रखनी होगी कि इन इक्वालिटी कौन सी चूज करनी है, तो वो जस्ट ओनली ऑन ग्रेटर देन आर इक्वल आपने चूज करना होगा। ठीक है, ये मैंने राइट किया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। हेयर इन दिस मेथड We use inequality as this sign. ये आपका sign just आपने hold करवाना होगा, greater than or equal. ठीक है, तो if constraint contain less than or equal sign, अगर आपका sign कहने के less than or equal हो by chance, तो क्या होगा कि then we change the sign of a given constraint. तो आपने उसको क्या करना है कि sign change कर देंगे। अगर less than or equal का sign आए तो उसको आपने greater than or equal में convert करने के लिए उसकी उसके जो कंस्ट्रेंट होंगे उसकी अलामत को चेंज कर देंगे। दैट इज ये आपको उसका तरीकाकार बताया गया है कि मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन, सो वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ लेस देन आर इक्वल इनटू फॉर्म ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्मेशन में क्रश कॉहन टकर मेथड के कंस्ट्रेंट होने चाहिए, या फिर इसके अलावा दूसरी इसकी ये कंडीशन है कि वो इक्वल की फॉर्मेशन में आ जाए तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज यहां से अराइज हो सकती हैं कि ग्रेटर देन इक्वल का कंस्टेंट होना चाहिए या फिर इक्वल का साइन होना चाहिए। तो आपने ये रिमेंबर कुछ रखनी है बातें, रिमेंबर डैट कंस्टेंट इन क्रश कॉहन टकर मेथड इज ऑलवेज इन बिलो फॉर्मेशन ओनली, के आपके जो कंस्टेंट होंगे, कंस्टेंट जो इसमें यूज करने हैं वो हमेशा कुछ इस सेंस में होंगे कि जी आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कंस्ट्रेंट की, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आर जी आई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, इन दोनों में से कोई एक आपके पास कंस्ट्रेंट की फॉर्मेशन में आ जाए तो आपने उसी के अकॉर्डिंग डील करना होगा, तो वो क्रश कॉहन टकर मेथड को होल्ड करेगा। वेयर आई इक्वल 1 2 3 अप टू सोन एन, आई इसमें ये डील कर रहा होगा और कैपिटल एक्स जो होगा x1 x2 अप टू सोन xn, ये इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स के, तो आपको फाइनाइट फॉर्मेशन में होल्ड करवाया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने मूव करना होगा। नाउ वी फॉलो बाय फॉलोइंग स्टेप्स, अब हम इसके कुछ स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपने क्रश कॉहन टकर मेथड को एल्गोरिदम की फॉर्म में प्रूव करेंगे। और एल्गोरिदम में आप उनके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में
जब नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा तो उसमें आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, वो टुमारो लेक्चर में आपका टॉपिक होगा, ठीक है। आज हम जस्ट इसकी एल्गोरिदम की फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इसका है, गिवन प्रॉब्लम इन मिनिमाइजेशन एज एफ ऑफ एक्स, दैट इज मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होना चाहिए और फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा साथ में। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो इसके लिए होंगे वो इस तरह होने चाहिए, ठीक है, जी आई ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जी आई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर ऑल आई आपको ऊपर मैंने बता दिया था, अबव एक्सप्रेशन के अंदर आई क्या चीज है, फॉर ऑल आई इक्वल वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन, एंड कैपिटल एक्स इक्वल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन, ठीक। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी राइट द एक्सप्रेशन ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर इक्वेशन। अब आपने इसके लिए इक्वेशन राइट करनी है, वो इक्वेशन कुछ इस सेंस में होगी, डेट इज डेल एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन लैम्डा आई डेल जी आई ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये प्रोडक्ट होगा लैम्डा आई का और डेल जी आई ऑफ एक्स का समेशन फॉर्मेशन में। तो जब इसको आप इसी फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो लिख सकते हैं कि डेल एफ ऑफ एक्स एज इट इज माइनस समेशन को ओपन करें, अगर आपके पास जस्ट आई वेरी फ्रॉम वन टू टू हो, ठीक है, यानी कि जस्ट टू नंबर्स के लिए आप डील करते हैं समेशन को, तो आपके पास ये सेंस बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आई की जगह आपने वन को यहाँ पर राइट करेंगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी लेमडा वन डेल जी वन ऑफ एक्स। जब आप आई की जगह टू रखेंगे तो ये आएगा लेमडा टू डेल जी टू ऑफ एक्स। तो ये नेगेटिव की वजह से वो समीशन नेगेटिव फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो इसको आपने क्वेश्चन स्टेरिक का नाम दे लेना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन स्टेरिक है, आपके पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है ना, इसको आपने कुछ इक्वेशन के फॉर्मेशन में राइट करना होगा। तो हेयर इक्वेशन स्टार या इक्वेशन स्टेरिक कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ से थ्री एक्सप्रेशन बनेंगे, वो हमने कुछ इसे अंदाज में बताना है कि वो एक कह लें कि फॉर एक्स वन के लिए डील करे या फॉर एक्स टू के लिए डील करे या फॉर एक्स थ्री के लिए डील करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फॉर एक्स वन एक्सप्रेशन के लिए। तो इसके लिए क्या बनेगा, हमारे पास ये देखें एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है इक्वेशन स्टेरिक। हमने यहाँ इक्वेशन स्टेरिक से एक कह लें कि फॉर एक्स वन के लिए अपने फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव को डील करने हैं ओनली ऑन, ठीक है। ये डेल एफ ओफ एक्स जो है इसको हम कह सकते हैं फॉर एक्स वन के लिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सेम आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड भी मूव करना है, तो माइनस लेमडा वन, ठीक है, इसको आप इक्वेशन स्टेरिक को देखते जाएंगे। तो इस डेल जी वन ऑफ एक्स के लिए आप फॉर एक्स वन के लिए लिख सकते हो कि पार्शियल जी वन ओवर पार्शियल एक्स वन, ठीक है, माइनस सिमिलरली आप इसके लिए बात करेंगे तो माइनस लैम्डा टू, जब आप लिखेंगे तो पार्शियल जी टू ओवर एक्स वन के लिए डील हो रही है तो पार्शियल जी टू ओवर पार्शियल एक्स वन, ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने फॉर एक्स वन की फॉर्मेशन में राइट कर दिया, इसे अब कह देंगे इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब आपने बात करनी है फॉर एक्स टू के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स टू, एक्स टू की बात हो रही है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में x2 होना चाहिए मस्ट, जब आप फॉर x2 की बात करेंगे, माइनस लैम्डा 1 पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x2 माइनस लैम्डा 2 पार्शियल g2 ओवर पार्शियल x2 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फॉर x3 के लिए आप देख सकते हो पार्शियल f ओवर पार्शियल x3 माइनस लैम्डा 1 पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x3 माइनस लैम्डा 2 पार्शियल g2 ओवर पार्शियल एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई होप इस जो तीन एक्सप्रेशन को मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है आप होपफुली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप इसका क्या कहता है कि आफ्टर दिस वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशन फॉर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। मतलब हमने क्या करना है इसके बाद इन तीन जो एक्सप्रेशन थे उनको x1, x2, x3 की फॉर्मेशन लिखने के बाद उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन हम ना उसके एप्लीकेशन में अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपने यही अंडरस्टैंड करना कि एक्सप्रेशन जो होगा वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा,
किसका होगा, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का होगा। एंड ऑल्सो आफ्टर दिस वी राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एज इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, आपने इन थ्री एक्सप्रेशन के बाद जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के तीन एक्सप्रेशन निकाल लिए हैं, गेट कर लिए हैं, उसके बाद आपका फर्दर स्टेप ये होगा कि आपने ना जो गिवन कंस्टेंट दिए होंगे, मतलब आपको जस्ट टू कंस्टेंट दिए होंगे, ठीक है ना, ये जो मैंने आगे लिखे भी हुए जी वन ऑफ एक्स जी टू ऑफ एक्स, जो गिवन टू एक्सप्रेशन होंगे उनको आपने इस फॉर्मेशन में राइट कर देना है। किसकी फॉर्मेशन में, इक्वेलिटी की फॉर्म में। ठीक है, इक्वेलिटी की फॉर्म में लिखने के बाद आपका वो कुछ इस सेंस में बन जाएगा, डेट इज जी वन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी टू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। आपके जो गिवन टू कंस्टेंट होंगे इस स्टेप में ये करना है कि आपने उसको इक्वेलिटी इक्वल कर देना है जीरो के, तो वो आपके पास टू इक्वेशंस और मिल जाएंगी जो आपने कंस्टेंट से हासिल की। ठीक, तो कह लें कि थ्री एक्सप्रेशंस तो आपने यहां से ड्राइव किए जो आपने इक्वेशंस डायरेक्ट से बनाए, थ्री एक्सप्रेशंस आपने इक्वेशंस डायरेक्ट से बना लिए और टू एक्सप्रेशंस आपने कंस्टेंट से इक्वालिटी की फॉर्मेशन में बना लिए। टोटल कितने हो गए, थ्री प्लस टू फाइव, टोटल हमारे पास फाइव एक्सप्रेशंस बन गए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है जी कि आफ्टर दिस वी हैव टू ऑब्टेन टोटल फाइव इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली कि इसके टोटल एक्सप्रेशंस बन रहे हैं पांच। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी ऑब्जर्व फाइव इक्वेशंस देन वी राइट इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। जब हमने पांच इक्वेशन को एक्सप्रेशन की फॉर्म में बना लेना है तो फिर हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म की शेप दे देनी है। तो हमने उन पांच इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रीजनरेट कर देना है। तो मैट्रिक्स में जनरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी सॉल्व दिस मैट्रिक्स फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ एचलन फॉर्म। तो आपने जब सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स फॉर्म को तो एक रूल्स को फॉलो करेंगे, वो होगा एचलन फॉर्म। ठीक है, एचलन फॉर्म आप बखूबी अच्छे तरीके से अंदाज से जानते हैं, ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मैथमेटिकल मेथड का ये टॉपिक था, एचलन फॉर्म, रिड्यूस एचलन फॉर्म। ठीक है, तो वहां पर इनके एक्सप्रेशन होते हैं, तो इसको मैं एचलन फॉर्म को आपको एप्लीकेशन के अंदर अंडरस्टैंड इजीली करवा दूंगा। ठीक है, अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी, अभी आपने अपनी माइंड में रखना है कि आपने जब मैट्रिक्स फॉर्म बना देनी है तो उसकी एक रूल्स की कंफर्मेशन को फॉलो करने के लिए आपने ये स्टेप लेना है एचलन फॉर्म का। ठीक हो गया, तो वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू ओनली। जब आपने मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट कर दिया और उसके ऊपर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं एचलन फॉर्म का, तो आपने उस एचलन फॉर्म के प्रोसेस से जो कैलकुलेशंस करनी होंगी, उन कैलकुलेशन से आपने ये चीजें फाइंड करनी होंगी, जस्ट ओनली ऑन आइगन वैल्यूज, मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू को ही सिर्फ ओनली ऑन फाइंड करना होगा। ठीक है, वहां से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की कैलकुलेशन को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिक्स स्टेप क्या है, आफ्टर दिस वी हैव टू ऑब्जर्व ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हेन बोथ कंस्टेंट आर एक्टिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब वो लैम्डा वन लैम्डा टू को एचलन फॉर्म जो मैट्रिक्स फॉर्म से कैलकुलेशंस करते हुए आपने फाइंड किए लैम्डा वन और लैम्डा टू, फिर आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा बन गया है या नहीं बन गया, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में आपने बहुत से ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बात भी की, डीलिंग भी करते रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन द सेंस ऑफ क्रश कोहन टक्कर मेथड में क्या कहना चाह रहे हैं असल में, वो हम इस अंदाज में देखेंगे कि अगर हमारे जो कंस्ट्रेंट बॉस जो होते हैं जो इन द सेंस ऑफ लैम्डा वन और लैम्डा टू में आ रहे हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो पहले नंबर पे तो ये देखें ना कि हर एक्टिव मीन क्या है। एक्टिव मीन व्हेन आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक्टिव है, कोई भी कंस्टेंट एक्टिव है फॉर एग्जांपल, तो उसे पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव किसी होना जरूरी है कि आइगन वैल्यू जो उससे रिलेट करेगा, इट्स मीन अगर लैम्डा वन मैं कहता हूँ, लैम्डा वन
इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर्म आ गया, उसका पॉजिटिव आंसर मिल गया। मैं कहता हूँ लैम्डा वन इज इक्वल टू प्लस 2.6, ठीक है। अब जो प्लस की फॉर्मेशन में जो इसका आंसर आया है, इट्स मीन वो एक्टिव है। अगर लैम्डा वन हो रहा है, इट्स मीन वो जी वन कंस्टेंट की बात करना चाह रहा है। अगर मैं कहूँ लैम्डा टू पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, इट्स मीन कि वो जी टू जो कंस्टेंट है उसे एक्टिव करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये आगे मैंने कुछ इस अंदाज में आपको अंडरस्टैंड करवाया कि इफ बोथ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट इज लैम्डा वन पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आपको आंसर दे रहा है, तो लैम्डा टू पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो बोथ, मैंने कहा कि बोथ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है, देन वी से दैट इट्स सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है कि वो दोनों आइगन वैल्यूज को पॉजिटिव बनाएगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिमल होगा, ठीक है, अदरवाइज वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। दोनों में से कोई एक नेगेटिव आ गया तो वो ऑप्टिमल नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव होना मस्ट है। सेवन स्टेप में हमने फाइनली इसकी एक ना कंटूर डायग्राम बनानी है। फाइनली वी राइट कंटूर डायग्राम फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसकी कंटूर डायग्राम फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ इस सेंस में होगी। ये बड़ी अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग है इसकी फिगर फॉर्मेशन में, और ये इसका फाइनल स्टेप होगा कि आपने कंटूर डायग्राम से क्या चीज लर्न की है, क्या सीखा है, और इसमें क्या चीज एक्सप्रेस हो रही है। ये आपने एक डोमेन बना ली, ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर की फॉर्म में, ये आपका डोमेन होल्ड कर रहा है कंटूर के अंदर। आपने इधर साइड पे लिख देना कंटूर, वो मिस हो गया मुझसे, आपने यहाँ पर खुद हैंड राइट लिख देना है अपने नोट्सों में कि ये आपका कंटूर है, ठीक है। इस कंटूर में क्या हो रहा है, फिर आपने ना ये क्रॉस लगाना होता है क्रश कॉन टकर मेथड की फॉर्मेशन को डील करते हुए। ये इसकी लैंग्वेज है कि आपने अपने डोमेन के रीजन को एक क्रॉस की फॉर्म में काट दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। जहां पे वो इंटरसेक्ट पाइवोट आपको पॉइंट मिलता है ना, इंटरसेक्ट पाइवोट पॉइंट, जहां पे वो दो क्रॉस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पर जो मैंने ये डॉट लगाया हुआ है स्पॉट्स, ये क्या शो कर रहा है, ये शो ये कर रहा है बोथ कंस्टेंट्स आर एक्टिव सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। यहां पर आपका जी वन और जी टू के जो आइगन वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू वो पॉजिटिव आंसर जनरेट करेंगे, इट्स मीन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो एक्टिव है। अगर आपका कोई एनी पॉइंट पाइवोट पॉइंट के अदर देन कहीं पे लाई कर रहा हो, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के अदर देन कहीं पे भी लाई कर रहा हो, मैंने वो फर्स्ट क्रॉस के यहाँ पर लाई करवा दिया है, इसे मैं यहाँ पे भी लाई करवा सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे भी लाई करवा सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे भी लाई करवा सकता हूँ, कह लेंगे इंटरसेक्शन के अदर देन कहीं पे भी लाई करवा दो उस क्रॉस की लाइन पे, तो वो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। मतलब ये मैंने इसका नाम दे लिया फर्ज करनी जी वन, ठीक है, ये जी वन मतलब लैम्डा वन की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर जी वन इज नॉट एक्टिव, मतलब इसकी लैम्डा वन की वैल्यू जो आएगी ना, मैं कहता हूँ लैम्डा वन माइनस 2.6, वो लैम्डा वन की वैल्यू नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा इस जी वन के ऊपर, तो वहां पर आपने कहना है सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बनती है तो मुझसे अंडरस्टैंड करने का क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसे होपफुली अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करवा दूंगा। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, तो दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।